ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। नमस्कार, बोल के लिए आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कभी कोई ऐसी सरकार रही होगी जो कि माए बाप संस्कृति में इतना विश्वास करती है, यानी कि जनता को अपने कदमों तले रखो और इसे बार बार यह एहसास दिलाओ कि तुम्हारा वजूद हमारी वजह से, तुम जिंदा हो हमारी वजह से जिंदा हो। शायद ही कोई ऐसी सरकार है जो वीआईपी संस्कृति, वीआईपी कल्चर पर इतना विश्वास करती है। और जानते दोस्तों, ढोंग क्या है? ढोंग यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, मगर उनके मंत्री, उनके सांसद जिस तरह के बर्ताव का परिचय करते हैं ना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने जो कहा वो माई बाप संस्कृति की आदर्श मिसाल है। आप जानते हैं इस वीडियो में, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर को लताड़ लगा रही हैं, एक राशन की दुकान के बाहर है, तेलंगाना में है, और वो ये कह रही हैं कि हम गरीबों को मुफ्त राशन देते हैं, इसलिए हर राशन की दुकान के बाहर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगे। हम गरीबों को मुफ्त राशन देते हैं, ये पैसा किसका है? निर्मला जी शायद अपना निजी पैसा यहां लगा रही हैं, या भारतीय जनता पार्टी अपने खजाने से पैसा निकालकर जनता को दे रही है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा निर्मला सीतारमन ने कहा क्या। मुफ्त दिए जाने वाले 5 किलो खाद्यान्न पर पूरी लागत मोदी सरकार द्वारा वहन की जाती है, फिर राशन की दुकानों पर लगे प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर बैनर पर आपत्ति क्यों? ये कह रहे हैं निर्मला जी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं उनका अपना बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के अंतर्गत जो 5 किलो अनाज मिलता है मुफ्त, उसका खर्चा मोदी सरकार उठाती है। एनएफएसए के अंतर्गत जो अनाज है उसका 80% का आर्थिक बोझ मोदी सरकार उठाती है। ऐसे में क्या कोई आपत्ति होनी चाहिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर राशन की दुकानों के बाहर लगे? निर्मला जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से कुछ सालों पहले स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय जनता पार्टी को एक सौगात दी थी, जिसे कहते हैं सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदा, जिसके अंतर्गत कोई भी धन्ना सेठ, कोई भी व्यक्ति, चाहे जितने भी करोड़ों रुपए राजनीतिक दलों को दान दे सकता है और वो काला पैसा व्हाइट हो जाएगा। कई ऐसे शोध सामने उभर कर आए हैं निर्मला जी कि इसमें से 80% सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, 80% बीजेपी की जेब में जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में देश ही नहीं, दुनिया की सबसे धनी पार्टी है। निर्मला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जबकि ये दावा कर रहे हैं कि हम जनता को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, हम जनता को जो है पैसा दे रहे हैं, तो क्या इस सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि भारतीय जनता पार्टी के खजाने में है, क्या उसमें से एक भी रुपया उसका योगदान गया है मुफ्त अनाज में? क्योंकि आप तो कह रही है ना कि आप दे रही हैं, और ये आप देना क्या होता है? आप तो बिल्कुल नहीं दे रही है मैडम। इस देश का जो ईमानदार कमाई करने वाला है, टैक्स पे करने वाला है, कर देने वाला व्यक्ति है, वो टैक्स देता है और उसी से सरकार अपनी तमाम योजनाओं में पैसा लगाती है। तो आप निजी तौर पर कहां से उस पर यह एहसान कर रही हैं? यह एहसान तो इस देश की जनता अपने बाकी भाई बहनों पर कर रही है, यानी कि इस देश में जो लोग टैक्स देते हैं, अगर वो एहसान भी कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं अपने बाकी गरीब भाई बहनों पर। हालांकि मैं उसे एहसान नहीं मानता हूं, और सरकार को बिल्कुल भी एहसान वाला लहजा नहीं अपनाना चाहिए। जो बात निर्मला सीतारमन कह रही है वो कई स्तरों पर गलत है दोस्तों। पहली बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले की सरकारें माई बाप सरकारें होती थी, यानी कि वो जो भी काम करते थे वो लोग एहसान जतलाते थे जनता पर। मगर निर्मला सीतारमन ने जो कहा मोदी जी, वो तो जीती जागती मिसाल है। आपने तमाम हदों को पार कर दिया ये कहते हुए कि हम जनता पर एहसान कर रहे हैं, और जनता को सवाल पूछने का हक नहीं है, ये तो हर तरफ दिखाई दे रहा है ना मोदी जी। और आप जानते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो कहते हैं कि इस देश में वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब वैक्सीनेशन लगाया जा रहा था, टीका लगाया जा रहा था कोरोना का, तब उन्होंने कहा कि कोरोना टीका लगाया जा रहा था और इसमें वीआईपी कल्चर कहीं नहीं था। फिर 2017 का उनका यह बयान याद कीजिए, उन्होंने कहा कि देश से वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए और उसकी जगह पर ईपीआई कल्चर आना चाहिए। ईपीआई यानी एवरी पर्सन इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति जरूरी है। ये तमाम शब्द आपके थे मोदी जी, मगर आपके सांसद क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं 31 अगस्त को क्या हुआ? 31 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता, सांसद निशिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी और बेहोश मेरा मतलब है भाजपा का एक छुट भैया नेता कपिल मिश्रा, ये तीनों जाते हैं देवघर झारखंड राजनीति चमकाने के लिए। और आप जानते हैं देवघर के एयरपोर्ट में एक फरमान है, उसके अंतर्गत यह लिखा गया है कि 6 बजे के बाद कोई भी जो है फ्लाइट वो उड़ान नहीं भरेगी, क्योंकि उनके पास जरिया नहीं है 6 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाता है फ्लाइट्स को उतारने का या फ्लाइट्स की टेक ऑफ करने का। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटे मनोज तिवारी जबरन घुसते हैं एटीसी के अंदर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर, और वहां बैठे लोगों से कहते हैं कि हमें उड़ने की अभी अनुमति दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं मंजुनाथ भजंत्री, उन्होंने इसका विरोध भी किया, मगर अब निशिकांत दुबे लगातार उन्हें धमका रहे हैं, जैसे कि आप इन तमाम ट्वीट्स में दिख रहे हैं। मंजुनाथ भजंत्री उनसे पूछ रहे हैं कि आप किस हैसियत से एयर ट्रैफिक कंट्रोल में घुस गए, किस हैसियत से आपके 2 बेटे एटीसी में घुस गए, किस हैसियत से मनोज तिवारी वो एटीसी के अंदर घुस गए, मगर ये लोग जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें उड़ान भरनी थी, ये लोग बाकायदा एटीसी के अंदर घुस गए और अंधेरे में इन्होंने उड़ान भरी, यानी कि सबकी जान जोखिम में डाल के उड़ान भरी इन्होंने। आज एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कुछ देर पहले कह रहे थे, मैंने आपको दिखाया कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, प्रधानमंत्री ये जो निशिकांत दुबे ने किया वो क्या था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यहां तो तमाम हदों को पार कर दिया गया ना प्रधानमंत्री, ये तो वीआईपी कल्चर भी नहीं था, ये तो वीआईपी कल्चर और दबंगई कल्चर का एक कॉकटेल था, उन दोनों का एक सम्मिश्रण था। प्रधानमंत्री इसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस हैसियत से निशिकांत दुबे एटीसी में घुस जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सांसद है? अगर एक आम इंसान इस तरह की कोई चीज करना चाहे, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो देवघर में और वो इसी तरह से अपने चार्टर्ड विमान में जाना चाहे तो वो कैसा कर सकता है? पहले तो खैर उसे चार्टर्ड विमान नहीं मिलेगा, ऐसी खुशकिस्मती तो सिर्फ निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को है। इस कल्चर के बारे में प्रधानमंत्री आपका क्या कहना है और इस मुद्दे पर आप खामोश क्यों हैं? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो आईएएस ऑफिसर हैं मंजुनाथ भजंत्री, उन्हीं पर कार्रवाई की जाने वाली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, यह है कर्नाटक का वीडियो, ये भाजपा के एक विधायक हैं लिंबावली, इनके पास एक औरत आती है शिकायत लेकर, उस औरत के साथ आप इस वीडियो में देखते हैं कि वो बदतमीजी कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, उसे असॉल्ट कर रहे हैं। वो औरत अपनी किसी पुकार के साथ उनके पास आई थी, भाजपा के इस कर्नाटक विधायक के पास, मगर न सिर्फ उसके साथ बदतमीजी की गई। अब ये वीडियो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं उनका जो विधायक है वो पुलिस को बुलाता है, और इस वीडियो में देखिए पुलिस उस औरत को हाथ पकड़ के ले जाती है, पता नहीं कहां ले जाया गया, मगर मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए। बताइए, आम जनता अपने दुख दर्द के लिए अपने विधायक के पास आती है, पहली बात उसके साथ शारीरिक तौर पर बदसलूकी होती है। आपने देखा विधायक महोदय किस तरह से उसे उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उसके साथ लगभग फिजिकल असॉल्ट कर दिया, और फिर आपने देखा
कि पुलिस को बुलाकर उस महिला को, उस बेबस महिला को वहां से धक्के देकर निकाल दिया गया। वैसे उस औरत को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो गुस्सा विधायक महोदय दिखा रहे थे, इन्हें वहां पर उनके समर्थकों ने लिंच नहीं कर दिया, वो जिंदा बच गई, यही गनीमत है। प्रधानमंत्री, जो आज मैंने आपको तीनों मिसालें बताई हैं, और ये सिर्फ तीन मिसालें नहीं, ढेरों मिसालें हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस वीआईपी कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और माई बाप संस्कृति से मेरे को एक और मिसाल याद आती है। आपको याद है यूक्रेन में हमारे भारतीय बच्चे फंसे हुए थे, और जितने भी बच्चे बचकर आ रहे थे, तमाम मोदी सरकार के मंत्री, चाहे जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, चाहे पीयूष गोयल, सब आकर बच्चों से कह रहे थे कि मोदी जी ने आपको बचा लिया, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, मोदी सरकार के ये मंत्री तो मोदी जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे उन स्टूडेंट्स से। वो स्टूडेंट्स जो यूक्रेन से बचकर आ गए थे, उनके लिए नारे लगवा रहे थे मोदी सरकार के मंत्री। प्रधानमंत्री मुझे बताइए ना, ये माई बाप संस्कृति नहीं है तो क्या है? ये तो माई बाप संस्कृति से और भी बदतर है। 1990 के दशक में खाड़ी से लाखों लोगों को नरसिम्हा राव सरकार बचाकर लाई थी। लिबिया से भी ऐसे ही कई हजार भारतीयों को मनमोहन सिंह सरकार बचाकर लाई थी, मगर कभी भी यह दावा नहीं किया गया, उन पर एहसान नहीं जतलाया गया कि नरसिम्हा राव जिंदाबाद कहो या मनमोहन सिंह जिंदाबाद कहो, कभी नहीं कहा गया, क्योंकि सरकार यह काम करती है अपना फर्ज समझकर, और आप इस माई बाप संस्कृति को इस तरह से बढ़ावा देते हैं। बताइए ना मोदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस माई बाप संस्कृति के बारे में, इस वीआईपी कल्चर के बारे में आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री, आपको फिर से एक मन की बात नहीं करनी चाहिए, और इन तमाम मुद्दों पर आपको अपने नेताओं, अपने सांसदों, अपने मंत्रियों को गठघरे पर नहीं रखना चाहिए, बताइए ना, क्योंकि इनके मन में अहंकार घुस गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया इनसे सवाल नहीं करेगा। अब मीडिया इनसे सवाल नहीं करेगा, लिहाजा वो जो भी कुछ कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं। इन तमाम मुद्दों से आंखें मत फेरिएगा प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे जो कह रहा हूं ना, एक वेल विशर के नाते कह रहा हूं, क्योंकि एक वक्त आएगा जब जनता इसके खिलाफ बगावत करेगी, मगर वो दिन अभी बहुत दूर है। मैं जानता हूं इस वक्त आपने जनता के दिमाग में हिंदू खतरे में है वाला डर बिठाया हुआ है, धर्म का धतूरा चटाया हुआ है, अभी तो वही चाटकर वो मस्त है, मगर हम बेबाकी से मुद्दे उठाएंगे, ये वादा मेरा उसी जनता को है जो इस वक्त ब्रेन वॉश्ड है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।